सब्सक्राइब कीजिए पासी चैंप चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को लेटेस्ट मेडिकल टॉपिक सबसे पहले देखने के लिए। वेल गाइस, मुंह के छाले होना वैसे तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन ये कभी कभी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इसमें जो जलन होता है और पेन होता है वो बहुत ज़्यादा होने लग जाता है जैसे जैसे टाइम बीतता है, और फिर आपका खाना पीना बोलना ये सब कुछ बंद कर देते हैं। इस वीडियो में सबसे पहले तो मैं आपको एक मेडिसिन के बारे में बताऊंगा जिसका रिजल्ट आपको इंस्टेंटली मिलेगा। विद इन 5 to 15 सेकेंड में ये आपको रिजल्ट शो करेगी, ठीक है? क्योंकि देखिए, मेडिसिन इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप जो भी होम रेमेडीज़ मैं आपको बताऊँगा वो आप इजीली ट्राई कर सको, और जो आपका खाना पीना बंद हुआ है वो एटलीस्ट आप स्टार्ट कर सको। सो इस वीडियो में हम लोग होम रेमेडीज़ के बारे में ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो वेलकम बैक गाइज टू पासी चैम चैलेंज, और बिना किसी डिले के आज की ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। वेल गाइज, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ एक क्विक रिलीफ मेडिसिन के बारे में, और ये आपको इंस्टेंटली रिलीफ देगी मुंह के छालों में। इसको आपको अपनी उंगली पर लेके अपने छालों पर लगाना है, और जैसे ही आप अपने छालों पर लगाओगे तो विद इन 5 to 15 सेकेंड में ये आपको इंस्टेंटली रिलीफ देगी। लेकिन जो रिलीफ है ये गाइस कुछ टाइम के लिए, मतलब कि 10 मिनट 15 मिनट तक हो सकता है। इस बीच में आप अपना खाना खा सकते हो, बोल सकते हो, जो भी आपने करना है वो आप कर सकते हो। इस जेल को आप दिन में 4 से 5 बार लगा सकते हो। आगे डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी आप होम रेमेडीज़ ट्राई कर सकते हो मुंह के छालों को ठीक करने के लिए। सबसे पहले तो आपको एक काम करना है कि अपना टूथपेस्ट आप चेंज कर दीजिए। जैसा मैंने आपको बताया कि सोडियम लॉरेल सल्फेट एक हानिकारक सब्सटेंस है, केमिकल है, जो कि मुंह के छालों को ठीक होने नहीं देता है। तो अपना टूथपेस्ट आप चेंज कीजिए और एक ऐसा टूथपेस्ट यूज़ कीजिए जिसके अंदर सोडियम लॉरेल सल्फेट ना हो। सेकंड, पानी आपने पीना है। अब पानी कितना पीना है, ये बॉडी टू बॉडी वेरी करता है। यूजली आपको 1.5 लीटर पानी पीना चाहिए। एक गिलास में 300 350 ml पानी आता है, सो आपको पानी ज़रूर पीना है। अब कई लोग पानी की जगह लिक्विड डाइट को पीना पसंद करते हैं। देखिए, लिक्विड डाइट अच्छी बात है पीनी, लेकिन पानी की जो इम्पोर्टेंस है वो अलग है। क्यों? क्योंकि लिक्विड चीज़ें जैसे जूस पी रहे हो, दूध पी रहे हो, या फिर लस्सी कुछ भी आप ले रहे हो, उसका जो महंगाई पीएच वैल्यू है वो अलग अलग होती है, ठीक है? नॉर्मली जो हमारी बॉडी का पीएच लेवल है वो 7.35 से 7.45 के बीच में होता है, ठीक है? पानी का जो पीएच लेवल है वो थोड़ा सा एल्कलाइन होता है हमारी बॉडी बॉडी के अकॉर्डिंग, और जो जूसीज हैं उनका पीएच लेवल थोड़ा कम होगा। सो हमें हमारी बॉडी को एल्कलाइन रखना है ताकि जो मुंह के छाले हैं वो ठीक हो सकें। इसीलिए आपको पानी भी पर्याप्त मात्रा में पीना है, और हमेशा याद रखें कि अगर आपने प्रीवियसली पानी कम पिया है, और अगर आपको लगता है कि आपको पानी कम पीने के कारण मुंह में छाले हुए हैं, तो आपको पानी पीना चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा पानी पीना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा पानी पियोगे तो ये भी एक कारण हो सकता है मुंह में छाले होने का, तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। अगली जो रेमेडी है गाइज वो काफ़ी इफ़ेक्टिव रेमेडी है। आपको अरारोट लेना है 15 से 20 ग्राम, एक गिलास पानी लेना है, और अरारोट के अंदर आप टेस्ट के अनुसार आप शुगर ऐड कर सकते हो। आपको अरारोट पानी में डालना है, उसको उबालिए अच्छे से गैस पे, ठीक है? और उसको इतना उबालना है कि उसकी कंसिस्टेंसी जब तक थिक नहीं हो जाती है तब तक आप उसको उबालते रहें। फिर जब उसकी कंसिस्टेंसी पूरी थिक हो जाए तो उसको आप बंद कर दीजिए, गैस को बंद करना है, और ठंडा होने पर आप इस अरारोट को खाएं। दिन में अगर आप 4 से 5 बार इस अरारोट को खाओगे तो आपके अंदर जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मल्टीविटामिन की डेफिशिएंसी होगी वो ठीक हो जाएगी, ठीक है? अगली रेमेडी भगवान ने आपको खुद दी है और वो कॉस्ट ऑफ फ्री है, आपको कहीं नहीं जाना है। रेमेडी का नाम है आपकी सलाइवा। आपको मैं बता दूं कि अगर आपकी बॉडी एसिडिक हो चुकी है और आपके मुंह के छाले ठीक नहीं हो रहे हैं ना, तो आप इस रेमेडी को ज़रूर ट्राई करके देखना। आपको करना ये है कि खाना खाने के बाद आपको नीचे बैठना है पैरों के भार में, और जहाँ पर आपको छाला है, सपोज कीजिए आपको होठ पर छाला है, तो होठ को आप नीचे करें, और जो आपकी सलाइवा है, जो आपकी लार है, उसको नीचे निकलने दीजिए। आपकी जीभ पर है तो जीभ को नीचे की साइड करेंगे और अपनी लार को निकलने देंगे, तो उससे जो लार आपकी छाले से होकर नीचे जाएगी तो लार का जो पीएच है वो एल्कलाइन है, ठीक है? और छाला जो है एसिडिक है, तो एल्कलाइन जब
चीज़ छाले के ऊपर से टपेगी तो हीलिंग प्रोसेस ज़्यादा हो जाती है, छाला भी ठीक हो जाता है। और आप अगर आप इस चीज़ को करके देखोगे ना तो आपको महसूस होगा कि आपको जो जलन हो रही थी, जो दर्द हो रहा था, वो भी ठीक हो रही है। ऐसे ही कुछ आप अलग ट्राई कर सकते हो मुंह की लार को प्रोड्यूस करने के लिए। लाइक आप अमरूद के पत्तों को चबा सकते हो 10 मिनट तक। अगर आप अमरूद के पत्तों को चबाते रहोगे मुंह में तो आपकी जो लार है वो प्रोड्यूस होगी और अंदर का जो पीएच वैल्यू है वो इंक्रीज होगा, एल्कलाइन हो जाएगा, जिससे हीलिंग प्रोसेस और ज़्यादा बढ़ जाएगी। सो आप अमरूद के पत्ते, जो नए पत्ते हैं, अगर आप वो खाओगे तो आप खुद महसूस करोगे कि आपकी लार अपने आप बन रही है, ठीक है। तो 10 से 15 मिनट तक आप चबाते रहो। चबाने के बाद जब 10-15 मिनट हो जाएं तो अपनी लार को निकाल दीजिए, ठीक है। ऐसे ही किक्कर के पत्ते, बबूल के पत्ते हैं, जो नए पत्ते हैं, अगर आप उनको चबाते हो तो भी आपकी लार निकलती है, ठीक है। उनको चबाते रहें, 10-15 मिनट के बाद उस लार को निकाल दीजिए, उससे भी आपको काफ़ी रिलीफ होगा, ठीक है। अगला है इमोशंस। वेल, जैसा मैंने आपको प्रीवियसली बताया कि इमोशंस हार्मोन्स को फ्लैक्चुएट करते हैं। इमोशंस के कारण गाइज आपका नाइट स्लीप पैटर्न भी डिस्टर्ब होता है। सो इमोशन को जितना हो सके उतना अवॉइड करने की कोशिश करें। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर अवॉइड नहीं होती है टेंशन। वेल, टेंशन अवॉइड नहीं होती है तो आप मेडिटेशन कर सकते हो। वेल, कई लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, उनसे उनको रिलीफ मिलता है। तो आपको जो भी पसंद हो आप वो कीजिए, बस टेंशन को अवॉइड कीजिए। अगली जो रेमेडी है गाइज वो काफ़ी इफेक्टिव है। वेल, पेन के लिए आप हॉट एंड कोल्ड मेथड को यूज़ कर सकते हो। आपको क्या करना है, 2 गिलास लेने हैं, 1 गिलास में चिल्ड वाटर डालना है, 1 गिलास में गुनगुना पानी डालना है, ठीक है। अब आपको जो चिल्ड वाटर है आप उसकी एक घुट को लीजिए और पानी को चारों तरफ मुंह में आपने घुमाना है लाइक, और आपको 20 सेकेंड तक करना है। 20 सेकेंड कंप्लीट होने पर पानी को निकाल दीजिए और फिर आप गुनगुना पानी पीजिए। सेम मेथड आपने करना है, 20 सेकंड होने पर निकालिए, चिल्ड पानी पीजिए, फिर 20 सेकंड करें, निकाल दीजिए, फिर गुनगुना पानी पीजिए। आप जब ये करोगे तो आप महसूस करोगे कि जो आपको पेन हो रहा था, बर्निंग सेंसेशन थी, वो ठीक हो रही है। ये काफ़ी इफ़ेक्टिव रेमेडीज़, अगर आप ये रेमेडीज़ कुछ कर लेते हो ना तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसके अलावा काफ़ी और रेमेडीज़ है, जैसे तुलसी के पत्ते आप चबा सकते हो, एलोवेरा जूस आप पी सकते हो एम्प्टी स्टमक, या एलोवेरा जेल को आप लगा सकते हो, या फिर बहुत इफ़ेक्टिव रेमेडी है फिटकरी को आप पाउडर बना लीजिए। पाउडर के रूप में अगर आप अपने छालों पर लगाते हो तो भी आपको काफ़ी इफेक्टिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर आपको स्टमक रिलेटेड इश्यूज है तो आप फिर दही के साथ केले को खा सकते हो। दही और लस्सी को आप ज़्यादा पियेंगे तो भी आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप इसका यूज़ करें क्योंकि इसके अंदर भी विटामिन B12, विटामिन B6 ज़्यादा होता है, कैल्शियम ज़्यादा होता है, पोटेशियम ज़्यादा होता है। सो अगर आपको मल्टीविटामिन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी है तो वो कवर अप हो जाएगी। वेल, आपको 1 कप कोसा पानी लेना है और उसके अंदर आप 1/2 चम्मच बेकिंग सोडा डालिए और सेम हॉट एंड कोल्ड मेथड की तरह आपको पूरे मुंह में घुमाना है और पानी को निकाल दीजिए। इस मेथड से भी हीलिंग प्रोसेस काफ़ी ट्रिगर होती है। सेम ऐसे ही आप साल्टी वाटर को यूज़ कर सकते हो। 1 कप गुनगुने पानी में आपने 1/2 चम्मच नमक डालना है और उसको आप हॉट एंड कोल्ड मेथड की तरह यूज़ करोगे तो भी आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अच्छा, कई बारी पेन काफ़ी होता है तो आप आइस क्यूब का यूज़ कर सकते हो। वेल, आइस क्यूब को आपको डायरेक्टली यूज़ नहीं करना है, आपको पेपर क्लॉथ पर आइस क्यूब को लपेटना है और आप फिर जब माउथ अल्सर पर, मुंह के छालों पर इसको लगाओगे तो आपको काफ़ी इंस्टेंटली रिलीफ मिलेगा। अगली जो रेमेडी है वो आप खाने के साथ खा सकते हो। अनियन सलाद का काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। तो अगर आप रेगुलरली अगर अनियन सलाद को अपनी डाइट में शामिल करते हो तो आपको माउथ अल्सर, मुंह के छालों में काफ़ी राहत देखने को मिलती है और ये आपको होते भी नहीं है। सो गाइज, ये कुछ बहुत ही इफ़ेक्टिव होम रेमेडीज़ थी, लेकिन माउथ अल्सर पर, मुंह के छालों पर एक डेडिकेटेड वीडियो है। अगर आप चाहें तो आई के बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं या फिर यूट्यूब पर
माउथ अल्सर बाय पासीचैम करके सर्च करेंगे तो वो वीडियो आपको आसानी से मिल जाएगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल और बेनिफिट रखती होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, और पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेक श्योर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो गाइज, मुझे आपका कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट।